दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में जिसने हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम को हिला के रख दिया है। ये कंट्रोवर्सी है सेबी, हिंडनबर्ग और एक बड़े सवाल की। आइए विस्तार से जानते हैं ये कंट्रोवर्सी क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं धे टीवी। दोस्तों इस कंट्रोवर्सी को जानने से पहले आइए हम कुछ चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इंडिया का स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है जो 1992 में बना था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका मेन काम है इन्वेस्टर्स की सुरक्षा करना और स्टॉक मार्केट में फेयर ट्रेडिंग को सुनिश्चित करना। माधवी पुरी बुच 2022 से सेबी की चेयरपर्सन है। और अब बात करते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च आखिर है क्या। हिंडनबर्ग एक US बेस्ड शॉर्ट सेलर है जो कंपनीज की डीप रिसर्च करता है और उनके हिडन प्रॉब्लम्स को एक्सपोज करता है और रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। जनवरी 2024 में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पे एक डैमेजिंग रिपोर्ट पब्लिश की थी जिससे अडानी के शेयर्स में भारी गिरावट आई थी। हिंडनबर्ग को 2017 में नैथन एंडरसन ने इसे स्टार्ट किया था जिसका मेन ऑफिस न्यूयॉर्क में है। और अब समझते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। जब किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल इंटरेस्ट उनके प्रोफेशनल ड्यूटीज से टकराते हैं उसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक जज किसी ऐसे केस में फैसला करे जिसमें उसका कोई रिश्तेदार इन्वॉल्व हो तो लोगों को ये लग सकता है ना कि ये जज फेयर डिसीजन नहीं देगा, और इसी को कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। और अब जब आपने इन तीनों चीज़ों को समझ लिया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं कंट्रोवर्सी की तरफ। इस बार हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ पर निशाना साधा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार माधवी पुरी बुच के कुछ ऑफशोर इन्वेस्टमेंट और कंसल्टिंग फर्म्स में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके हस्बैंड ने इस रिपोर्ट के अगेंस्ट एक क्लैरिफिकेशन इशू किया। बुच और उनके पति ने कहा कि उनके इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस डीलिंग में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हिंडनबर्ग का कहना है कि उनके इस जवाब में कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे पहले माधवी ने कंफर्म किया कि उनका इन्वेस्टमेंट एक ऑब्स्क्योर बरमुडा और मॉरिशियस फंड में था। इसी फंड में अडानी ग्रुप के विनोद अडानी का भी पैसा लगा हुआ था। ये फंड माधवी के पति के बचपन के दोस्त ने मैनेज किया था जो उस टाइम अडानी के डायरेक्टर भी थे। अब आइए समझते हैं इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देखिए, सेबी को अडानी केस में इन्वेस्टमेंट फंड्स की जांच करनी थी। इसमें वो फंड्स भी आते हैं जिसमें माधवी का खुद का पैसा लगा हुआ था, यानी वो खुद अपने इन्वेस्टमेंट की जांच कर रही थी। ये क्लियरली एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। दूसरा इशू है माधवी की कंसल्टिंग फर्म का। माधवी ने दो फर्म सेटअप की थी, सिंगापुर में अगोरा पार्टनर और इंडिया में अगोरा एडवाइजरी। उन्होंने कहा कि सेबी ज्वाइन करने के बाद ये फर्म्स डोरमेंट हो गई, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ये पूरी तरह सच नहीं है। सिंगापुर वाली फर्म में माधवी 100% शेयर होल्डर थी मार्च 2022 तक, यानी सेबी चेयरपर्सन बनने के दो हफ्ते बाद तक। इंडिया वाली फर्म में वो अभी तक 99% शेयर होल्डर हैं और ये फर्म एक्टिव है। सेबी चेयरपर्सन रहते हुए भी ऐसे रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं। माधवी ने कहा कि उनके पति ने इन फर्म्स को यूज अपने कंसल्टेंसी प्रैक्टिस के लिए किया, लेकिन सवाल ये उठता है क्या इन क्लाइंट्स में वो कंपनीज भी हैं जिनको सेबी रेगुलेट करता है। अगर ऐसा है तो ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। हिंडनबर्ग ने यह भी क्लेम किया है कि माधवी ने सेबी मेंबर रहते हुए अपने पर्सनल ईमेल से अपने पति के नाम बिजनेस किया। अगर ये सच है तो ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। लेकिन यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जब भी इंडिया या इंडिया का कोई बिजनेसमैन जब तेजी से आगे बढ़ने लगता है तो US जैसे बड़े देश और वहाँ की कंपनीज को ये हजम नहीं हो पाता, और इसीलिए कई बार वहाँ की कंपनीज इस तरह की रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब इतना इम्पॉर्टेंट क्यों। देखिए, सेबी एक बहुत पावरफुल रेगुलेटर है। वो डिसाइड करता है कि स्टॉक मार्केट में क्या अलाउड है और क्या नहीं। अगर सेबी के टॉप ऑफिशियल्स के खुद के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं तो उनके डिसीजन फेयर कैसे हो सकते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार माधवी अपने सारे कंसल्टिंग क्लाइंट्स और इंगेजमेंट्स की डिटेल पब्लिक करें, साथ ही वो इन सब पब्लिक इश्यूज की एक ट्रांसपेरेंट और पब्लिक इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। ये पूरा मामला अभी डेवलप हो रहा है। देखना यह है कि सेबी और गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है। क्या माधवी अपने पोस्ट पे बनी रहेंगी या उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इशू है। हमें वेट करना होगा और देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।